नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग पर्यावरण का क्लास कर रहे हैं जिससे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, मतलब कितना भी पढ़ लो उसमें कम ही होता है। लेकिन हम आपको वादा किए हैं 40 टॉपिक देने का, 40 यानी कि 40 टॉपिक, ऐसा टॉपिक जहाँ से एग्जैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जिस भी फील्ड में आप एग्जाम दो, चाहे वह हमारा यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आने वाले भविष्य में लेखपाल की एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, किसी भी सेक्टर में आप बैठते हैं, फोड़ के आओगे। सिर्फ बने रहना लास्ट तक और सारी वीडियोस आप देखते रहें। अगर जिस बच्चे का यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर को है तो अभी भी उसके पास वक्त है कि आराम से वह पेपर को डील कर सकता है भाई। हाँ, आराम से डील कर सकता है। देखिए, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैक्सिमम टॉपिक दे दिया, इसके बाद दो तीन टॉपिक और रह जाएंगे, जैसे कि एक रामसर साइट का हम लाएंगे आपका, और एक हम का विश्व के रेगिस्तान पे लाएंगे, और एक हमारा पूरा लोकेशन यहाँ पे विश्व को बना देंगे हम, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी में पूरे जितने आपके महादेश हैं उसको बनाने के बाद हम आपको लोकेशन दिखाएंगे, और प्लस कैपिटल और करेंसी यहाँ से इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर दिए, जो आपके यूपी टेट सुपर टेट लेवल तक आएगा, इसी सेक्टर में पढ़ा है, आप देख सकते हैं सब कुछ है, दर्रा और सब बिल्कुल ट्रिक से मैप बना के पढ़ाए हैं, पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में आ जाना, आपको मैथ का पूरा कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, सिर्फ एक सीआई वाला और एक आपका मजदूर वाला जो चैप्टर है उसको हम दो दिन में कंप्लीट करेंगे, एक एक दिन मैराथन लगाकर, दो दो घंटे क्लास लेकर, ठीक है। इसके बाद आपका हिंदी विधिवत खत्म किए, विधिवत विधि विधान से खत्म किया गया है, देख लेना, टेस्ट टॉपिक वाइज कराया गया है, प्लस बेसिक क्लास भी लिए गए हैं आपके। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें सारे पीडीएफ दे दिए गए हैं जितने भी हिंदी के टेस्ट कराए गए, और कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा यह हम डाउट क्लास जो 9 बजे डेली आता है उसमें जरूर बता दिए हैं, उसमें बता दिया गया है, आप आकर उसमें देख लें। और बाकी के CDP हमको 4 दिन चाहिए, मात्र 4 दिन चाहिए। वैसे हमने सारे के सारे अपने जो नोट्स हैं उसको दे रखे हैं आपके टेलीग्राम पर, बच्चे जो क्लास नहीं देखते अगर वहाँ से भी देख लेंगे तो CDP बिल्कुल कंप्लीट, 30 नंबर कहीं नहीं जाएगा उनका। और बचा आपका हिंदी हो गया, सामाजिक अध्ययन, मतलब यह हो गया आपका सामाजिक अध्ययन भी स्टार्ट कर दिए भाई, सब देखो, सब देखिए आपके लिए, मैथ हो गया, CDP हो गया, और SST या मतलब पर्यावरण हो गया, एक टॉपिक और कोई बच रहा है आपका ना, हिंदी पर्यावरण मैथ CDP और जैसे कि लैंग्वेज हो गया, संस्कृत वगैरह, संस्कृत का भी एक मैराथन लगा लेंगे बस। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, विश्व के झील पर गहनता से बिल्कुल विधिवत एक एक चीज आपको बताते चलेंगे, जो डाउट वाला पोर्शन है वो भी बताएंगे, ठीक है, आराम से सुनते चलिए। देखिए, सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए आखिर इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ज्यादा डीपली इसमें नहीं पढ़ने हैं, हमें आराम से पढ़ने हैं, जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ डायरेक्टली उस पर फोकस करना है, हमें गाथा लेके नहीं चलना है ना। साथ में सबसे पहले इसमें बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा झील बताइए, झील और झरने पर आज का हमारा पूरा यह लेक्चर होगा, तो विश्व का सबसे बड़ा झील बताइए, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नौकायान झील, सबसे मतलब सबसे ऊंचा नौकायान झील और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बताइए, किस देश में स्थित है अभी बताइए, किस महादेश में स्थित है अभी बताइए, विश्व का सबसे गहराई पर स्थित झील बताइए, किस देश में स्थित है अभी बताइए, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है अभी बताइए, विश्व का हो गया। अब इसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज अगर पूछता है तो कभी कॉन्टिनेंट वाइज पूछ सकता है, कैसे, जैसे अमेरिका का सबसे बड़ा झील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, एशिया का, इस तरह से पूछ सकता है। एक तो यह हो गया। एक तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, वैसे आपके सुपर टेट में ही आएगा, या फिर BEO का अगर पेपर देंगे तो उसमें पूछ सकता है, या फिर आपके अदर सेक्शन PCS लेवल में, लेकिन आप पढ़ लो, आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो एक ही बार में सब खत्म कर दो पढ़ा के, ऐसा कंटेंट हम दे रहे हैं, बस आप शेयर कर देना, विश्वास के साथ हम आपको लाते हैं, आप भी विश्वास बना के रखें, हर एक चीज इस टॉपिक से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप डील कर ले जाओगे, उतना तो कर लोगे जितना पर्याप्त होगा, उतना पर्याप्त होगा, उतना मतलब जितना पर्याप्त होगा उससे ज़्यादा हम दे देंगे आपको। अब इतना गाथा लेकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक की तो आवश्यकता जरूर पड़ती है, कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए बुक का गहनता से अध्ययन होना अनिवार्य है, है ना, चाहे जितना भी कोई पढ़ा दे यूट्यूब पर, लेकिन जब तक आप थोड़ा सा अगर बुक का सहारा नहीं लेंगे ना, तब तक डिटेल में नॉलेज नहीं मिलती। लेकिन इतना है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, PT कोई भी किसी भी एग्जाम का PT हम निकलवा देंगे आपका, मेंस की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक है भाई। अब साथियों, अगर आता है हम सबसे पहले
बात करें जैसे कि किस प्रकार से एक और प्रश्न बनेगा, जैसे दे दिया कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के चारों तरफ देखिए चार ही पांच ऐसे सागर पूछे जाते हैं, सागर मतलब झील, कैस्पियन सागर बोलने को है लेकिन है एक झील आपका, है ना, याद रखेंगे। पूछेगा कैस्पियन सागर आपका, ब्लैक सागर मतलब कि काला सागर, और आपका इस तरह से दो तीन और जैसे कि आपके सुपीरियर सागर झील, इसके चारों तरफ कितने देश हैं, यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, हम सब बताएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहना, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। अब एक एक बात को हमारे लिखते चलिए, पहले जो इंपॉर्टेंट है बड़ा छोटा गहराई ऊंचाई यह चेक करने के बाद फिर आ जाते हैं कॉन्टिनेंट पे, किस कॉन्टिनेंट में कितने झील है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात याद रखना, सबसे बड़ी बात यानी कि सबसे बड़ा झील पूरे विश्व का, इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ा लेक वर्ल्ड में कौन सा है, तो बताएंगे दोस्तों कैस्पियन सागर। क्या नाम है भाई? कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर किस देश में स्थित है, लिखते चलिए एक एक बात को, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं सिर्फ बोल रहे हैं, अभी लिखने वाला काम करेंगे, पहले यह चीजें बता दें जो जनरली सारे बच्चों को आना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 12 में जो पढ़ते हैं ना उनको भी आना चाहिए, तो ये आपको भी आना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में आता है भाई उनके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होता खैर, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो लिखिए इस बात को, सबसे बड़ा झील विश्व का तो क्या बताएंगे, कैस्पियन सागर। अब यहां पे कंफ्यूजन मत होइएगा, सर सागर है नहीं झील है, ये झील है, सागर सिर्फ लगा है नाम में, ठीक है ना, झील है ये कैस्पियन सागर झील, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा झील है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी की भी झील है। याद रखना हमारे भारत का सबसे बड़ा झील, हमने भारत पे पूरा विधिवत लेक्चर दे दिया है झील पर, अगर देख लीजिए झील का है, लेकिन अगर पूछा जाए लैगून लैक तब भी झील का, सांभर भी है, सांभर राजस्थान में पड़ता है, लेकिन अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे, उस पर हमने बात कर लिया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। पूरे विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी की झील कैस्पियन झील, पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन झील, समझ में आ गया। इसकी अगर बात करें दोस्तों किलोमीटर की फैलाई का, क्षेत्रफल की बात करें तो 371,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है कितना 371,000 लिख लेंगे कॉपी पे। इसके चारों तरफ देश अभी लिखवाएंगे, लेकिन एक मिनट बस सुन लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए इसके चारों तरफ देश कौन कौन से स्थित हैं साथियों, रूस, रूस लिख लेंगे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, इसके बाद अजरबैजान, इसके बाद ईरान, मतलब पांच ऐसे देश हैं जो इसके चारों तरफ इर्द गिर्द में स्थित हैं एशिया और यूरोप में, ठीक है भाई, जो हमारा तुर्की है ये यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे स्थित है, मतलब कि दोनों जगह अपना हिस्सा शेयर करती है, यूरोप में भी और एशिया में भी, जिस प्रकार से रूस दोनों कॉन्टिनेंट्स में अपना हिस्सा शेयर करता है सेम उसी प्रकार से तुर्की भी, यानी कि दो ऐसे देश है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में क्या एशिया और यूरोप में जो कि दोनों कॉन्टिनेंट में है, तुर्की और रूस, ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़े खारे पानी की झील हो गई और सबसे बड़ा झील भी हो गया, जो सबसे बड़ा झील है वही पूरे विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की भी झील है, यानी कि कैस्पियन सागर, बातें क्लियर हैं, लिखते चलिए इस पॉइंट को। पॉइंट वन, विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। पॉइंट टू, पूरे विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, लिख लिए। कहां पर है? एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर है। इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, अजरबैजान, ईरान, देखिए फिर से बोलिए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देखिए फिर से सुनिए, ईरान, रूस, ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, पांच हो गया, पांचों को लिख लीजिए। पहला पॉइंट, यहां से आपका मैक्सिमम प्रश्न बनेगा तो एक नंबर का बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे टॉपिक से आपको दो नंबर देखने को मिल सकता है सुपर टेट में भाई, पढ़ लो मेरे यारो, आपको बिल्कुल विधिवत विधि विधान के तरीके से सब कुछ दे देंगे, इतना भर देंगे ना मजा आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक एक सब्जेक्ट चुन चुन के पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, बस आप साथ बनाए रखो, लास्ट तक बने रहो, हमारी जो मनोबल है उसको बरकरार रखो, इतना शेयर करो ना कि लाइक से हमारा पेट भर जाए, पेट तो खैर भरेगा नहीं, लेकिन आपकी जितनी साहस है उतना शेयर करो, स्टेटस लगाओ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, पहले लास्ट तक बने रहना। इसके बाद पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील, देखिए क्या नाम है उसका, सुपीरियर, उसके नाम में भी छुपा हुआ है सुपीरियर, मतलब बहुत ही बेहतरीन पानी, मीठे पानी, सुपाड़ी की तरह लगता है भाई, बहुत मीठा लगता है पानी उसका, पिए तो नहीं है लेकिन जानते हैं, लिखा हुआ पढ़े हैं, यानी सुपीरियर झील, ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका कौन? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ? तो कनाडा और अमेरिका, यानी यूएसए के बॉर्डर पर भाई,
पटाखा फूट रहा है, बम आपको भी फोड़ना है। कहां पर भाई, कहां पर फोड़ना है? पेपर में फोड़ना है भाई, याद रख लेना। यानी कि सुपीरियर झील पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। इसकी लंबाई मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है बता देना, 82,100 किलोमीटर स्क्वायर, 82,100 किलोमीटर, यानी कि 82100 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखना। कैस्पियन का कितना था, 3 लाख था, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा इससे बड़ा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बता देंगे भैया सुपीरियर, दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील बता देंगे कैस्पियन, और दुनिया का सबसे बड़ा झील भी कैस्पियन, हो गया बात। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पर, पूरे विश्व का तीसरा नंबर सबसे बड़ा झील याद रखना, विक्टोरिया झील। क्या नाम है? विक्टोरिया झील। पूरे दुनिया का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका की भी सबसे बड़ी झील है, याद रखना। यहां से दो पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट नोटेड, ठीक भाई, नोट करिए फटाक से। क्या? पूरे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील क्या? विक्टोरिया झील। पूरे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील किस देश में है या फिर किस महादेश में है, तो बताएंगे अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील इसी का नाम आएगा भाई, विक्टोरिया झील। बताओ, पॉइंट वी विल नोटेड अबाउट, भाई नोटेड कर लो फटाफट। इसके बाद पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा झील बता देना, ह्यूरन। क्या भैया? ह्यूरन। क्या बोले हैं? पूरे विश्व का देख क्रम से लिखवा रहे हैं, 5 तक 6 तक लिखवाएंगे, ह्यूरन झील, ह्यूरन। इसके बाद बताएंगे कॉन्टिनेंट वाइज, पहले इस तरह से हमारे दो तरीके से चलेंगे, आप विधिवत याद कर लोगे। ह्यूरन झील पूरे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, लिख लिए, बस इतना यहां से काफी है। पांचवें नंबर का मिशिगन, मिशिगन, मिशिगन झील, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा झील मिशिगन, पूरे विश्व का सॉरी पांचवें नंबर का सबसे बड़ा झील मिशिगन कहां पर है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है भाई, लिख लेना। अभी ट्रिक बताएंगे, जब हम कॉन्टिनेंट वाइज बताना शुरू करेंगे ना तो ट्रिक बताएंगे, पहले ये सारी चीजें नोट कर लीजिए मेरे यारों। इसके बाद छठा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठे नंबर का सबसे बड़ा झील पूरे विश्व का बता देना, टंगानियन। क्या नाम भाई? टंगानिकन। क्या नाम भाई? टंगानिकन। यह दूसरा सबसे गहरा झील है, टंगानिकन, टंगानिकन झील। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा झील है और यह दुनिया का दूसरा सबसे गहरा झील है, सबसे गहरा झील है, मतलब पॉइंट नोट करो एक एक चीजें, ठीक है भाई। अच्छा, दुनिया की सबसे दूसरा सबसे गहरा झील है तो पहला कौन सा है सर जी? पहला है भाई, याद रखना, सबसे गहरा झील बैकाल झील है, बैकाल, बैकाल, काल इसमें छिपा है ना, याद रखना, गहरा है तो मतलब काल इसमें है भाई, काल, बैकाल झील। ये रूस में स्थित है, कहां पर? रूस में स्थित है साथियों, याद रख लेना, रूस में। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा वाला झील पूछते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा वाला झील, याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है भाई टिटिकाका झील, इसे नौकायान भी झील कहते हैं। यह पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है। तीन चार बात नोट करिएगा, पहले हमने क्या बोला, दुनिया का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका झील, टिटिकाका, टिटिकाका झील, दुनिया का सबसे गहरा बैकाल, दुनिया का सबसे, दुनिया का दूसरा नंबर सबसे गहरा टंगानिकन झील, छठे नंबर पर सबसे बड़ा झील, बातें क्लियर हो रही है ना माई लॉर्ड? बताना, बैकाल सबसे गहरा और सबसे ऊंचा टिटिकाका कहां पर स्थित है? बोलिविया, बोलिविया, बोलिविया और प्लस पेरू के बॉर्डर पर स्थित है, पेरू के बॉर्डर पर स्थित, मतलब एक तरह से टिटिकाका झील है जो ना ये बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित। अच्छा, बोलिविया पेरू कहां पड़ते हैं सर? ये तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका की कंट्री है, चिली के आसपास वाला, हाँ वही, जहां पर एंडीज पर्वतमाला फैला है, यह एंडीज पर्वतमाला का ही हिस्सा है भाई टिटिकाका, याद रखना। एंडीज का सबसे बड़ा, सबसे ऊंची चोटी हमने बताया था, क्या नाम था बताना, कल ही बताया था, क्लास कल ही लिया था, बताना एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताइए। एंडीज तो हमारा पर्वतमाला है ना, पर्वत श्रेणी है, 6000 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा श्रेणी, लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा चोटी हमारा एवरेस्ट, 8848.84 मीटर। लेकिन अगर पूछता है एंडीज पर स्थित सबसे ऊंचा चोटी, तो हमने कल बताया, कल वाला क्लास आप जरूर देख लेंगे, उसके विषय में चर्चा नहीं करते हैं, जरूर देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक हम आपको देख रहे हैं भाई, है ना, इस वजह से मर्ज नहीं करते हैं, नहीं तो मामला थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, उधर चले जाएंगे हम। बस याद रखना, टिटिकाका झील कहां पर स्थित है? बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है। बोलिविया पेरू कहां पड़ते हैं? दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं, दक्षिण, दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं, दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं, दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं, यह दक्षिण अमेरिका में पड़ते तो हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी चोटी, सबसे बड़ी चोटी, सॉरी सबसे बड़ा सागर, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा सागर
तो बता देंगे भाई टिटिकाका। टिटिकाका झील भी, यही झील जो है ये दक्षिण अमेरिका का ही सबसे बड़ा झील भी है और सबसे ऊंचा पूरे विश्व का भी झील यही है, याद रखना। अच्छा, हिमालय का सबसे ऊंचा झील, भाई हिमालय वाला इलाका जो हमारा 2500 किलोमीटर तक फैला है, 2500 प्लस हमारा, याद रखना, हमारे भारत के नॉर्थ में है, यानी कि हमारे भारत की बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक औंचा प्रदेश में फैला हुआ है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, पीओके वाले इलाका में, जहां पर केटू गाड़ी नास्टिन काराकोरम वाले रेंज में स्थित है। वहां से लेकर पूरा कहां तक भाई, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कहां, नामचा पर्वत तक, है ना, नागटीबा वगैरह तो पड़ जाते हैं नेपाल वाले बॉर्डर की तरफ। लेकिन याद रखना साथी, हमने क्या बोला, टिटिकाका पूरे विश्व का सबसे ऊंचा झील है, लेकिन हिमालय का सबसे ऊंचा झील पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा वाला झील, दुनिया की सबसे ऊंची झील जो हिमालय में स्थित है, उसका नाम याद रखना तिलिचो झील। क्या नाम है, तिलिचो झील, 4915 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, 4915, एक मिनट, 4915 मीटर भाई, किलोमीटर नहीं, मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर में है इसकी ऊंचाई, कितना है भाई, 4915। इसका नाम क्या है, तिलिचो, तिली याद कर लेना, तिलिचो, तिलिचो झील, तिलिचो झील, ये 4915 मीटर की ऊंचाई है इसकी पूरी की पूरी, हिमालय का सबसे ऊंचा झील, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा झील, याद हो रहा है, पूरे विश्व का सबसे गहरा झील, याद हो रहा है, बताना याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक बातें दिमाग में घुसाते रहो, यह चीजें यहां से बनेंगी। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट वाइज, एक बार कॉन्टिनेंट वाइज रिवीजन कराते हैं आपका कि कॉन्टिनेंट वाइज सबसे बड़ा झील किस में क्या है, किस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा झील है, यह तो हो गया हमारा पूरे विश्व के रेस्पेक्ट में। अब पूरे कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं एक एक करके, फटाफट देखना फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट में लिखवाएंगे कौन कौन से झील हमको पढ़ने हैं। देखिए तीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, पहले पूरे विश्व के नजरिए से हमने देखा, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा झील कौन सा है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, फिर इसके बाद हम एक एक कॉन्टिनेंट में लिखवाएंगे कौन इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट झील है इसमें भी उसके चारों तरफ देश कौन कौन से स्थित हैं, ठीक है, ये भी लिखवाएंगे। अब लिखना अगर आपसे पूछता है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील, वही उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील कैस्पियन, सॉरी सुपीरियर सागर, सुपीरियर सागर एक प्रकार का झील है भाई, पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील, बताना जरा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील टिटिकाका झील एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है, याद रखना। रॉकीज पर्वतमाला कहां था, उत्तरी अमेरिका में था, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है सबसे बड़ा झील दक्षिण अमेरिका का, जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई वाला झील है, जिसका नाम है टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे स्थित है, याद रखना। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील हो गया, उत्तरी अमेरिका का हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एशिया में, एशिया में सबसे बड़ा झील कौन बताएगा, बताना बलराना भाई, वलखास्क, क्या ना भाई, वलखास्क झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, लिख लेना वलखास्क झील। यह दोस्तों कहां पे स्थित है, यह हमारे मध्य एशिया में स्थित है, मध्य एशिया में कहां भी बता देना, यह कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान वाला इलाका जो है, कजाकिस्तान वाला मध्य एशिया में सारे तान वाले हैं ना, जो कि 1992-91 के आसपास में जब हमारे यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो रूस के साथ साथ लगभग 15 देशों में हमारा यूएसएसआर विघटित हुआ था, उसी में पूरी के पूरी मध्य एशिया बन गई, तो मध्य एशिया में स्थित है बलखास्क झील है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा झील है भाई, याद हो गया, एशिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया। अब आ जाते हैं भैया ऑस्ट्रेलिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया लिखेगा, आयर झील, क्या भाई, ऑस्ट्रेलिया का लिख लेना यहां पर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील आयर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयर झील कहां पड़ता है बताना, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है भैया, आयर झील है, किसने बताया है बोल देना, हमने बुक से पढ़ा है भाई, हमको क्यों बताओगे, वो तो आप पढ़े हो ना, आप चाहे जहां से पढ़ो किसी के, देखिए यहां पर ये बातें नहीं होनी चाहिए कि हमने पढ़ाया तो वो चीज आया, नहीं भाई, आपने पढ़ा तो वो चीज आया, आप पढ़े नहीं होते तो नहीं आता, नहीं कर पाते आप। अब हम पढ़ाएं चाहे कोई और पढ़ाए, पढ़ाई तो वही चीज है। अब यह मत कोई यह बोलता है कि हमारे पढ़ाए गए से आ गया, अरे ससुरा तुम क्या पढ़ा दिए कि आ गया, तुम तो वही पढ़ा रहे हो जो चीज आता है, अब वो सारे लोग पढ़ाते हैं, अब ऐसा नहीं तुम अलग से दे रहे हो और कोई नहीं पढ़ा रहा उस चीज को, तब आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जो बच्चे छोड़ के आते हैं 100 में से 5 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, वही 5 क्वेश्चन अगर तुम पढ़ा दो तो हम मान जाए भाई तुम बहादुर हो, लेकिन 5 क्वेश्चन ससुरा तुमको पता कौन सा है कि जो दूसरों ने नहीं पढ़ाया हम पढ़ा दें, नहीं ना, तो ये मत समझना कभी, जो पढ़ाते हैं टीचर वही आता है, या नहीं खुद वह सिलेबस पढ़ाते हैं तो सिलेबस में तो ही तो आएगा, सिलेबस से बाहर कहां से आने वाला भाई,
ये कौन सा एग्जाम हुआ तब तो? सिलेबस दे दिया कुछ और आया कुछ और, ऐसी बात नहीं होती है। जो चीज़ आपके सिलेबस में वही चीज़ पढ़ाई जा रही है, वही चीज़ आएंगी, चाहे हमसे पढ़ें चाहे दूसरे से पढ़ें चाहे बुक से पढ़ें, बात तो क्लियर है। इसके बाद आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील हो गया। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं भाई यूरोप का सबसे बड़ा झील, यूरोप का लडोगा, लडोगा नाम कभी कभी मिल जाता है या फिर लडोगा, लडोगा यूरोप का, यूरोप का लिख लीजिए, यूरोप यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो लिख लीजिए यूरोप, यूरोप का सबसे बड़ा झील लडोगा कहीं मिल जाता है आपको, कहीं लडोगा मिलेगा और कहीं लडोगा मिलेगा, लडोगा। तो ये दोनों मतलब ये दोनों का नाम एक ही है, ये रूस में स्थित है। कहाँ है भाई? रूस में, याद रखना। वोल्गा रिवर रूस से होते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है, याद रखना दोस्तों, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ा दिए हैं भाई, नदियों वाला लेक्चर पूरे विश्व का चला गया है, पूरे विश्व के चोटियों वाला लेक्चर चला गया है, ये झील वाला है। अब हम आते हैं एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, एक एक करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक चीज अब आप दिमाग में बैठाते चलिए। अब हम आते हैं सबसे पहले मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताना जरा, सुपीरियर झील, है ना, याद रखना। अब ये सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है भाई उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब उत्तरी अमेरिका का कितने झील याद है बताना जरा, उत्तरी अमेरिका का सर पूरे के पूरे झील बता दीजिए, उत्तर से मतलब उत्तरी अमेरिका का पूरे इंपॉर्टेंट झील बताइए। तो एक ट्रिक बताते हैं, याद कर लेना, क्रम से याद कर लेना, उत्तरी अमेरिका का सोमे, एस एच ओ एम ई, इस तरह तो पहले याद कर लेना, सोमी, सोमी। अब एक काम करना, इसका नाम है सुपीरियर, 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 और एच फॉर हो गया, एच फॉर हो गया ह्यूरन, ह्यूरन पहले याद कर लो, ह्यूरन, ह्यूरन, ह्यूरन। ओ फॉर हो गया ओंटेरियो, 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 ओ फॉर हो गया ओंटेरियो, ओ ओ फॉर हो गया, एम फॉर हो गया मिशिगन, एम फॉर हो गया मिशिगन, मिशिगन, ई फॉर हो गया इरी, ई फॉर हो गया इरी, इरी, याद कर लेना। ये पांचों के पांचों झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है, और यह दोनों, ये पांचों के पांचों अंगुली निमा आकृति बनाते हैं, पांच है अंगुलियां पांच होती हैं, तो पांचों अगर आपसे पूछा जाए अंगुली निमा आकृति बनाने वाले पांचों झीलों को क्रम से सजाइए, ये आ सकता है यूपीटेट में, इसमें से एक दो आ सकते हैं आपके यूपीटेट में, ठीक है भाई। हमने पेपर करा दिए 5 साल के यूपीटेट के, अभी तक अभी नहीं जगे हो ना, तो जग जाओ, जितना दे दिया गया बस उतना पढ़ के चले जाओ मेरे यार, 120 नहीं आ गया ना तो कह देना, लिख देना यहाँ पर कि नहीं आया मेरा, लेकिन विश्वास के साथ पढ़ना और वही पढ़ना जो पढ़ाया गया है, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितने बार रिविजन कर सको कर लेना, ठीक है भाई। अब याद रखो हमारी बात को, ये हमने बताया सो में, पहले सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी, ये क्रम से नहीं है, लेकिन इस पांच को ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब क्रम क्या है इनका, सबसे देखिए अमेरिका, हमारा जो उत्तरी अमेरिका है इस प्रकार से, ऐसे है, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से, सबसे पहले सुपीरियर है, यस, फिर उसके बाद ओंटेरियो है, फिर उसके बाद क्या है, ओंटेरियो है, ठीक है, पहले सुपीरियर, फिर ओंटेरियो, फिर उसके बाद, एक मिनट, पहले सुपीरियर है, फिर ओंटेरियो नहीं, पहले फिर सुपीरियर के बाद मिशिगन है भाई, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरन, ह्यूरन के बाद इरी, इरी, इरी के बाद ओंटेरियो, यह क्रम है, याद कर लेना, यह क्रम है, है ना। तो हमने इस क्रम से भी आपको बता दिया कैसे है, पश्चिम से पूर्व की तरफ का क्रम है, याद हो गया। अब और इंपॉर्टेंट झील क्या है, जो कि कनाडा में स्थित है, कनाडा हमारा भैया उत्तरी अमेरिका का है, तो यहाँ जब भी बात करेंगे, देखिए मेनली कनाडा वाला जो झील है उसका नाम है लैक विनिपेग ग्रेट बियर ग्रेट लैप, क्या बताया हमने, लिख लीजिए फटाफट, क्या बताया, क्या बताया भाई, क्या बताया, कनाडा में जो स्थित है, कनाडा एक तरह से उत्तरी अमेरिका में ही तो स्थित है भाई, उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक सेक्टर वाला, कनाडा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का, याद रखेंगे। कनाडा में कौन कौन सा बताया, ग्रेट विनिपेग, ग्रेट विनिपेग, विनिपेग, यह हो गया। इसके बाद क्या बताया, दो और बताया, ग्रेट बियर और ग्रेट लैप, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर और ग्रेट लैप, ग्रेट, ग्रेट लैप, लैप मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ ही, इस तीनों को याद कर लेना। ये कनाडा में पाए जाते हैं मुख्य रूप से कनाडा में ही, लेकिन यह चारों के पांचों के पांचों यह दोनों के बॉर्डर पे, अमेरिका और, अमेरिका और, अमेरिका और बताना, अमेरिका और किसके बॉर्डर पे, कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है भाई, याद हो गया। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका में, इतना याद कर लेना, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद हो गया तो बताना, थम्सअप जरूर ठोकना भाई। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका में, अच्छा दक्षिणी अमेरिका का बताना कुछ, अब बताया था ना पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्थित झील, जो कि बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है, याद रखना, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, उसका नाम है टिटिकाका झील, टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका वहन झील है,
यहाँ पे नौकायान नौकावहन झील है, टिटिकाका झील लिख लेना। टिटिकाका कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, टिटिकाका, ठीक है भाई, याद रख लेना। इसके बाद अच्छा, यह जो हमारा है बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे स्थित है, तो बोलिविया का कैपिटल कोई बता सकता है? वैसे हम बताएंगे, घबराना मत। बोलिविया का कैपिटल लापेज होता है। क्या होता है? लापेज, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी रेग्जाविक है, जो कि आइसलैंड में स्थित है। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए, जो कि आइसलैंड में स्थित है। आइसलैंड की ही राजधानी है रेग्जाविक, पूरे विश्व की, पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे उत्तरी राजधानी, ऊंचाई पर नहीं भाई, ऊंचाई पर बताएंगे, सबसे उत्तरी राजधानी याद रखना, उसका नाम है रेग्जाविक, जो कि आइसलैंड का कैपिटल है। आइसलैंड डेनमार्क का पार्ट है, आइसलैंड खुद देश है, वो तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, जिसपे अमेरिका अपना हक जमाता है, याद रखना। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, ग्रीनलैंड पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है, आइलैंड, बर्फ मतलब एक तरह से उसके चारों तरफ पूरा पानी हो, ठीक है। पूरे विश्व का सबसे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो बता देंगे, इंडोनेशिया, जिसका कैपिटल जकार्ता है। जकार्ता पानी में डूबने के कारण अब वो शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है भाई? बताना कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है दोस्तों? वह थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। उसका नाम क्या है भाई? क्या नाम है बताना? एक मिनट, नाम क्या है भाई? चलिए याद आता है तो बताते हैं फिर। वैसे तो हम कराने वाले हैं राजधानी में, घबराना मत, एक एक चीज कराएंगे हर एक समय, दिमाग में नहीं, देखिए याद तो रहती सारी बातें, लेकिन कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं पढ़ाते वक्त, है ना, तो घबराइए मत। जो जितनी चीजें आपको दी जा रही है उसको बस लिखते चलिए। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में, क्या क्या बताया? पहले तो टिटिकाका बता दिया, इसके बाद पूपो झील है, पूपो या फिर पूड़ो के नाम से जानते हैं, पूपो देख लो कैसा झील है, याद कर लेना। मराकोबा है, क्या नाम है? मराकैबो लाइक, ये भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है भाई। इसके बाद साथियों, और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो जैसे मराकैबो जो लाइक है साथियों ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात होता है, पेट्रोलियम यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलते हैं मराकैबो लाइक से, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतनी तीन चीज़ें याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं याद करना, एक जगह सजा कर लिख लेना, दीवार पर चिपका लेना। दिन में जैसे दो तीन बार खाना खाते हो ना, लड़कियाँ 10-15 बार खाती हैं, तो उसको थोड़ा सा देखती रहेंगी, खाना खाते वक्त आकर घूमते हुए देख लेना, रिविजन हो जाएगा। अब आते हैं भाई किस पर? अफ्रीका में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफ्रीका लिख लेना। लेक विक्टोरिया, अफ्रीका कहाँ लिखे हैं भाई? यहाँ पर लिखे हैं, तो लेक विक्टोरिया कहाँ पर स्थित है? बता देना, अफ्रीका में स्थित है। लेक विक्टोरिया के बाद साथी लेक विक्टोरिया के बाद लिखना लेक ताना, लेक तुकाना, लेक विक्टोरिया। क्रम से बता दें क्या आपको? क्रम से लिख लीजिए। अफ्रीका में, अफ्रीका जैसे बनाते हैं हम, ऐसे अफ्रीका बना दिए। अफ्रीका में इस साइड यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, फिर लेक ताना, पहले लेक ताना है, फिर तुकाना है। देखिए लेक ताना, ताना लिख लीजिए, लेक ताना, फिर तुकाना, तुकाना, लेक तुकाना, यहाँ पर दूसरे नंबर पर लेक तुकाना, पहले लेक ताना, फिर लेक तुकाना, फिर लेक विक्टोरिया आता है, फिर तंगानिका आता है, लेक विक्टोरिया, फिर तंगानिका, ये क्रम से हैं। हमारे किस तरफ पड़ जाते हैं? ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, यहाँ पर सहारा मरुस्थल पूरा फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस तरह पूरा झील है, पूरी लेक है। आपको पता होगा व्हाइट नील और ब्लू नील यहीं से निकलते हैं, है ना, जो कि सूडान में जाकर दोनों मिल जाते हैं, तो वहाँ से नाइल रिवर का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर बोला जाए पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो आप नील बताते हो, है ना, जिसकी लंबाई 6000 के प्लस है, 6000 से 6600 के आसपास में है, है ना, 6600 किलोमीटर के आसपास में है, है ना, थोड़ा सा कम है, 6200 के आसपास में है हमारा अमेजन, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण उसे कहा जाता है पानी की दृष्टि से या फिर चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा नदी, है ना। तो जो हमारा नाइल रिवर है वो बनता है कौन कौन से नदी को मिला के? तो बता देंगे व्हाइट नील प्लस ब्लू नील, इन दोनों को मिलाकर हमारा नील नदी बहता है, जो अपना पानी भूमध्य सागर में गिराता है, वही भूमध्य सागर जिसको स्वेज कैनाल से लाल सागर से कनेक्ट करते हैं। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, याद रख लेना इस बात को, और जो हमारा लाल सागर है यह अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। यह प्रश्न आया है बहुत बार, बेहतरीन तैयारी हो जा रही है आपकी, तैयारी करते रहो। इसके बाद चाड झील, न्याया झील नाम से, यहाँ पर स्थित है न्याया झील। इसके बाद चाड झील, चाड भी हमारा कहाँ पे स्थित है भाई? अफ्रीका में स्थित है, चाड नाम का एक देश भी है ना,
तो यही से स्थित है। इसके बाद लैक नारसा मिस्र में स्थित है भाई, लैक नारसा मलावी, मलावी लैक नारसा इसी में है, मलावी मलावी। अच्छा मलावी नहीं, मलावी तो हमारा आ जाता है भाई उत्तरी, एक मिनट, यूरोप में आ जाता है भाई मलावी, मलावी और लैक नारसा यूरोप में आ जाता है, इसको मत लिखना। मलावी और लैक नारसा कहाँ पे जाता है, मिस्र, मिस्र हमारा किस में पड़ता है भाई, यूरोप, यूरोप नहीं एशिया में पड़ जाता है ना, एशिया जो हमारा खाड़ी वाला देश है इधर पड़ जाता है। तो हमारा मिस्र, लैक नारसा और चाड, लैक नारसा तो पूरी तरीके से मिस्र में पड़ता है, और चाड झील जो पड़ता है भाई हमारा अफ्रीका में पड़ता है, और मलावी भी हमारा एशिया में पड़ जाता है, इस बात को याद रखना। अब आते हैं पहले यूरोप की बात कर लेते हैं, फिर एशिया का हम विस्तार से करते हैं। यूरोप में याद रखना कैस्पियन सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद कर लेना, एक ही झील आपको याद करना है यूरोप से, कैस्पियन, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील है, पूरे विश्व का सबसे खारे पानी का झील है, याद रखना। इसके चारों तरफ कौन कौन से देश स्थित हैं बता देते हैं, इसी जगह लिख लीजिए कैस्पियन के, जो कि यूरोप का है, यूरोप में सिर्फ एक याद करना है, कौन कौन से देश हैं उसके चारों तरफ कैस्पियन के, रूस लिख लेना, रूस है, रूस के बाद ईरान, ये तीनों याद हो गया बताना, ईरान ये दोनों याद हो गया। इसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद बताना, कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान, 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 इसके बाद एक और है, एक और याद कर लेना उसको, अजरबैजान, 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 ये हमारे जो चारों तरफ देश स्थित हैं कैस्पियन सागर के भाई, याद रखना। अजरबैजान का कैपिटल क्या होता है, बाकू होता है, बाकू होता है, याद कर लेना। इसके बाद काला सागर भी एक है जो कि एशिया में पड़ जाता है, काला सागर है ना, काला सागर के चारों तरफ देश पूछ लेता है, याद रखना, काला सागर के चारों तरफ, जैसे कि तुर्की, तुर्की हमारा दोनों में पड़ता है, तो तुर्की जो हमारा एशिया वाला है ना वहाँ पर, तो तुर्की याद रखना, तुर्की, तुर्की हो गया, तुर्की का कैपिटल अंकारा, तुर्की, रूस, तुर्की, रूस, यूक्रेन, यूक्रेन, जॉर्जिया, जॉर्जिया, देखिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका हम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, जॉर्जिया, रोमानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, 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 मतलब कि जो कैस्पियन सागर है उससे एक ज़्यादा, कैस्पियन सागर में पाँच थे, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और आपके अजरबैजान, वो पाँचों थे, और यहाँ पे छः हैं, तुर्की है, जॉर्जिया है, रूस है, रोमानिया है, यूक्रेन, बुल्गारिया, ये किसके चारों तरफ हैं बताना, काला सागर के, काला सागर, काला सागर, काला सागर जनरली देखा जाए तो एशिया में पड़ता है, लेकिन यह काला सागर दोस्तों क्योंकि एक तुर्की है, तुर्किया, तुर्की, तुर्की जो कि दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ जाता है, है ना, इस बात को याद रख लेना। चलिए यह हो गया भैया, अभी हम बताते हैं आगे, और अफ्रीका का हो गया इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बताना, अफ्रीका का हो गया। अब चले एशिया की तरफ, एशिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक वन, सबसे अधिक लवड़ता वाला, लैक वन, वन लैक, वन लैक, वन वन वन, याद रखना एशिया का वन लैक, वन लैक, वन लैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक लवड़ता वाला है ना, लवड़ता, सघनता इसे बोलते हैं, घनत्व, इसमें आदमी अखबार लेकर सोकर पढ़ते हैं, लैक वन है ना, याद रखना। यह अब सूख चुका है, वन लैक, वन लैक सूख चुका है साथी। ये कहाँ पड़ता है तो बता देना, ये हमारा पड़ जाता है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान, तुर्कमेन नहीं, तुर्कमेनिस्तान के आसपास में, कजाकिस्तान, तुर्कमेन नहीं, तुर्क, सॉरी सॉरी एक मिनट रुकिएगा, कजाकिस्तान में पड़ता है, कजाकिस्तान में ही पड़ता है, एक और तान के नाम से कोई कंट्री है, देखिए हम आपको बताएंगे करेक्ट उसको कर देंगे अगले लेक्चर में। तो कजाकिस्तान के आसपास में वन लैक अब सूख चुका है लगभग, लगभग देखा जाए तो, है ना। इसकी पानी जो है बहुत दोहन इसका किया गया, इसका पानी बहुत सिंचाई में यूज़ किया गया साथियों, जिससे अब यह सूख चुका है, बहुत ही इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, अगर आप देखेंगे कभी जूम आउट करके, है ना, तो आपको पता चल जाएगा, जूम इन करके, जूम इन करके देखेंगे कभी मैप में आकर, है ना, गूगल पे आकर देखेंगे तो यह पता चल जाएगा, बहुत यहाँ के पानी बहुत खारा है, इस वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग डूबते नहीं जल्दी, तैरते हैं, मतलब एक तरह से अगर पेपर अगर पढ़ा जाए, लोग कहते हैं पेपर पढ़ा जाए तो सो के आराम से पेपर पढ़ सकते हैं उसमें, है ना। तो याद रखना लैक वन सबसे अधिक लवड़ता वाला। इसके बाद बैकाल सागर, यह भी दोस्तों सबसे गहरा झील है जो कि एशिया का ही है, जो कि रूस में स्थित है, बैकाल, बैकाल याद रखना, बैकाल। इसके बाद साथियों बैकाल के बाद पैंगसो झील, आपको पता होगा अभी विवादित था, भारत चीन के जो भारत चीन के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है, उसका नाम है लद्दाख, लद्दाख के बॉर्डर, लद्दाख में स्थित है पैंगसो, जो कि आपको पता होगा पाँच फिंगर है ना, एट फिंगर, सॉरी एट फिंगर पे विवाद है ना। तो याद रखना बहुत बड़ा ये इलाका है साथियों, इतना बड़ा इलाका है लद्दाख का, जो हमारा दिल्ली है ना उसका तीन गुना भाग वो हड़पे हुए हैं, चीन हड़प लिया है, है ना, जिसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पैंगसो लैक, क्या नाम है, पैंगसो, पैंगसो लिख लीजिए, पैंगसो लैक, अभी झील के नाम से जानते हैं भाई,
ये हमारे लद्दाख में, ये पीसीएस के पिछली बार क्वेश्चन में भी पूछा गया था, 2020 वाले पीसीएस का एग्जाम हुआ था जो, उसमें पूछा गया था। बलखास झील कजाकिस्तान में स्थित है, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा झील है, अभी तो बताया था। बलखास झील भाई लिख लीजिएगा, राइटिंग पेपर जाइएगा और नहीं मांत्रा पे जाइएगा, ये तो सिर्फ एक तरह से दिखावा है कि आप तो सिर्फ हमें वो करना है जो वहाँ पे टिक मार के आना है। फिनलैंड की एक झील है साथियों, याद रखना, उसका नाम है हिमकाज नाम से है वो, छोड़ दीजिए इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा, उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हो गई, अफ्रीका हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आयर झील के नाम से याद रखना है, लैक चार्ट अफ्रीका का है याद रखना है, कैस्पियन सागर हो गया उसके चारों तरफ देश भी हो गया, काला सागर हो गया उसके चारों तरफ देश हो गया, भूमध्य सागर हो गया, लाल सागर कहाँ पे स्थित है बता देना, कि हमारा लाल सागर जो है अफ्रीका और किसको अलग करता है भाई, एशिया को अलग करता है, बस इतनी बातें तो थी इंपॉर्टेंट। एक विक्टोरिया है, विक्टोरिया के चारों तरफ कितने देश हैं याद कर लीजिए, विक्टोरिया जो कि अफ्रीका का है भाई, विक्टोरिया झील, केन्या है इसके चारों तरफ, केन्या, युगांडा रवांडा, ये सब युगांडा रवांडा नहीं है इसे यहाँ पर, तंजानिया, ये तीनों ऐसे देश हैं जो कि विक्टोरिया झील के चारों तरफ देश वाले हैं, ठीक है भाई, याद हो गया, काला सागर भी याद हो गया और कैस्पियन सागर, ये तीन इंपॉर्टेंट है बस। अब बताओ मजा आया, तो ऐसे ही सेशन को शेयर करिए, देखते रहिए। अब आगे के लेक्चर के लिए आप रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं देते हैं हमें, लेकिन फिर भी हम क्लास लेके आते हैं और क्लास लेकर आते रहेंगे उन भाइयों के लिए जो कुछ देखते हैं, उन्हीं को हम देते हैं भाई, उन्हीं की प्यार है दुलार है, बस आप लोग शेयर करिए। अच्छे अच्छे क्लासेस दिए जाते हैं आपको, सारे क्लासेस आपको दे दिए गए भाई, सब सब्जेक्ट के दे दिए गए, देख लेना आकर, यूपी टेट में बाजी नहीं मार लिए ना, सुपर टेट में बाजी नहीं मार लिए ना, यूपीएसआई में बाजी नहीं मार लिए ना, तो कहना आगे हर जगह पूछा जाता है सारे टॉपिक, ठीक है, धन्यवाद।